खरगोन जिले के बिस्तान थाना क्षेत्र में लूट मामले में 12 लोगों को जेल भेजने के बाद कैदी की मौत से हड़कंप मच गया, जिसमें खरगोन जिले के कांग्रेस विधायक सचिन यादव, विजय लक्ष्मी साधो, रवि जोशी, केदार डावर ने जिला कलेक्टर अनुग्रह पी और DIG कार्यालय जाकर मारपीट करने वाले महकमे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की मांग की। इस दौरान विधायक सचिन यादव ने बताया कि भाजपा सरकार आदिवासियों से सौतेला व्यवहार कर रही है और यह घटना इसका प्रमाण है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर विधायकों ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिलाने की मांग की। वहीं विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने भी मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम सारे लोग कांग्रेस कार्यकर्ता है, उस परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए की विधानसभा के 6 विधायक आपको बताया है कि जो जिन परिवार में वहाँ पे थे, अगर उनके खिलाफ अगर किसी प्रकार कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से और वो भी उसके हमारे फोटोग्राफ है कि जेल में जाने के पहले उसको किस कदर पुलिस ने मारा है, उस हिसाब से तो उसको तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत थी बजाय जेल में। ये प्रदेश में आदिवासी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार हमारे जो आदिवासी वर्ग है, हमारा दलित वर्ग है, उसके ऊपर लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। पिछले दिनों चाहे वो नेमावर की घटना हो, चाहे वो नीमच की घटना हो, चाहे अभी कल जो हमारा बिस्तान हमारा क्षेत्र हमारे विधायक आदरणीय केदार भाई के विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहां पर खेरकुंडी गांव में एक 35 साल का नौजवान बिशन उसको पुलिस रिमांड भी ले जाता है, उसको थर्ड डिग्री दिया जाता है और जब उसको जेल भेजा जाता है, जेल में उसकी 4 घंटे के अंदर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उस नौजवान के पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ एक भी जो है आज तक कोई अपराध उसके पंजीकृत नहीं किया गया था। आज हम तमाम साथी आदरणीय केदार भाई और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे आदरणीय विजय लक्ष्मी साधो जी, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे विधायक जुमा सोलंकी जी, भाई रवि जोशी जी और तमाम साथी, आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात करी, अभी हम लोगों ने DIG साहब से हमने मुलाकात करी है और SP साहब को भी हमने फ़ोन लगा करके जो है उनको फ़ोन पे हमने उनसे कहा है कि तत्काल प्रभाव से जो लोग जो अधिकारी इस प्रकरण में शामिल है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उनको तत्काल प्रभाव से उनको जो है निलंबित किया जाए, उनके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए, न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग करी है, जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए राशि देने की मांग हम सभी साथियों ने करी है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जो है हमारे जो गरीब तबका है, हमारे आदिवासी वर्ग है, हमारे जो दलित वर्ग हैं, उनको संरक्षण उनको सुरक्षा देने में जो है पूर्ण तरीके से विफल हुई है और उसी का परिणाम है कि लगातार जो है इस सरकार की विफलता के कारण, इस सरकार की नाकामी के कारण हमारे सभी जो है साथियों पर लगातार इस तरह की घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं। विधानसभा क्षेत्र में भी एक विचाराधीन कैदी के भी 15 दिन पहले में उतरी थी और आज ये फिर घटना घटित हुई है। देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से देखिए शासन ऊपर से चलता है और जो प्रदेश का मुखिया होता है उसकी मंशा और उसकी इच्छा के अनुसार जो है शासन चलता है, उसकी सोच के अनुसार शासन चलता है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच में, इस प्रदेश के मुखिया की सोच में हमारा जो गरीब आदिवासी है, हमारा जो दलित वर्ग है, हमारा गरीब तबका है, वो उनकी न्याय में उनके सोच में वो शामिल नहीं है और इसीलिए इस तरह की जो है घटनाएँ हमारे साथियों के साथ लगातार हो रही है। थैंक यू। मौत के बाद परिजनों ने थाने पर भी तोड़फोड़ की है और आपको अध्यक्ष भी बनाया कमेटी का, किस प्रकार से जांच होगी इस मामले में? देखिए जो जघन्य अपराध पुलिस के माध्यम से जो किया गया है, आदरणीय केदार भाई के क्षेत्र का ये मामला है और जिस तरह से आदिवासियों को जो कस्टडी के अंदर लिया और कस्टडी के अंदर लेने के बाद कुछ को छोड़ दिया,
कुछ को रखा, फिर बाद में चार आदिवासियों को कस्टडी के लिए बुलाया, रिमांड पे लिया उनको, और रिमांड पे लेने के बाद एक बिशन आदमी को उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके जैसे हमारे पास जो व्हाट्सएप पे आए इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आदरणीय कमलनाथ जी के संज्ञान में भी आया, और इस तरह की घटनाएं न केवल यहाँ हुई है, नेमार की घटना आप देख लो, तीन मासूम बच्चियों को शरीर पे कपड़े नहीं, रेप हुआ उनके साथ, पांच लोगों को गाड़ दिया, 1.25 क्विंटल नमक और तुम्हारा एसिड और यूरिया डाल के, एक बेचारे आदिवासी वहाँ नीमच के अंदर उसको पिकअप से घसीट के और उसको मार डाला। तीसरी घटना यह हुई, अभी हमको पता चला कि बालाघाट में भी एक घटना आजकल में ही हुई है। तो ये हो क्या रहा मध्य प्रदेश के अंदर, जो आदिवासी दलित लोग हैं उनके ऊपर जो जातियाँ हो रही है, जो गरीब तबके ऊपर जातियाँ हो रही है, और यहाँ तो हद ही हो गई कि पुलिस रिमांड में आदिवासियों को लिया और उसमें एक की हत्या हुई है। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे उसका सौंपा है, जिसमें चार विधायकों को लिया है, जिसमें ग्यारसी लाल भाई हैं, पाचीलाल मेड़ा है, मुकेश है, और लाल सिंह मेड़ा जी हैं, इन लोग को बनाया गया। अभी हम लोग, क्योंकि तत्काल हम लोग को जैसे ही पता चला आज सुबह, हम सभी के सभी भागते हुए अपने अपने कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, और कलेक्टर से मिले, उनको ज्ञापन दिया हमने, एसपी साहब से मिले, एसपी साहब तो नहीं है, वो बिस्तान में है, हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया, और हमने मांग रखी है न्यायिक जाँच की, सही तरह से जाँच होना चाहिए, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो अमानवीय कृत्य किया है, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जो व्यक्ति मृत हुआ है, उसकी पत्नी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसका, 35 से 40 साल के बीच का वो व्यक्ति था, 5 बच्चे हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां। अब वो तो मुखिया था, पालनहार था, अब वही चला गया तो उसके परिवार का क्या? तो हम सब विधायकों की, सभी विधायक हैं, जुमा जी हैं, सचिन यादव जी हैं, केदार भाई हैं, रवि जोशी जी हैं, सभी की ये डिमांड है, सचिन बिरला उसके भी, वो भी आने वाला है, सभी की ये मांग है, पूरे खरगोन जिले के सभी विधायकों की, कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, जैसे आपने मंदसौर में जो पुलिस के द्वारा मारे गए थे जो किसान, 1-1 करोड़ उनको दिया, इस परिवार को, क्योंकि आदिवासी परिवार है और बिल्कुल हैंड टू माउथ है, तो 1 करोड़ रुपया उसको आर्थिक सहायता देना चाहिए, ताकि वो महिला अपने बच्चों की परवरिश ठीक ठाक कर सके। भी हुआ है तो क्या ऐसे पुलिस वालों की कार्रवाई की मांग कर, हमने की मांग, वही करेंगे नहीं, हमने की, हम गए थे उसके कलेक्टर के पास, हम आए डीआईजी के पास, एसपी धानी है, एसपी वहीं ग्राउंड पे है, हमने मांग की कि जिन लोगों ने अमानवीय कृत्य किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी आपको, नहीं तो हम सब उठ खड़े होंगे, पूरा जिला जो है वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएगा, और हर, क्योंकि ये पूरा आदिवासी दलित बाहुल्य इलाका है, और सभी लोग बहुत क्रोधित हैं, और पूरी जनता क्रोधित है, पूरी जनता में असंतोष है। 15 दिनों में जेल में दूसरे कैदी की मौत है, कहीं जेल प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है? देखो, हमारा सोकाल जो मामा है, पता नहीं कौन सा, शकुनी मामा या कंस मामा, भारतीय संस्कृति में तो एक भांजा भांजी और 100 ब्राह्मण के बराबर होते हैं, लेकिन इस मामा ने तो जाति पे जाति कर रहा है, जिस तरह से इनके संरक्षण में, राजनीतिक संरक्षण में जो क्रियाकलाप पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, इससे जैसे आपने कहा कि 2 लोगों की हत्या हुई है, इस तरह से लगता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, और किस तरह से ये गरीबों के ऊपर शासन और प्रशासन दोनों मिलकर हत्या कर रहे हैं। क्या आदिवासी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल सुरक्षित नहीं, बिल्कुल कोई भी सुरक्षित नहीं है, और आदिवासी तो बेचारा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।